दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन YouTube पर रेगुलर मिलती रहे। दोस्तों सभी YouTube क्रिएटर्स को YouTube की तरफ से एक ईमेल मिली है जिसमें YouTube ने अपने कुछ अपडेट के बारे में उन्हें बताया है। इन अपडेट्स में मुख्य तौर पर तीन चीज़ों के बारे में YouTube ने हमें बताया है और आज इस वीडियो में मैं इन्हीं तीन चीज़ों के बारे में आपको आसान शब्दों में बताने वाला हूँ। दोस्तों सभी YouTube क्रिएटर्स को उनके ईमेल आईडी पर मिले YouTube की तरफ से इस ईमेल में जिस अपडेट के बारे में बताया गया है यह कोई अपडेट नहीं है बल्कि YouTube की सेवा शर्तों में हुए कुछ बदलाव हैं। सो दोस्तों YouTube की तरफ से ईमेल में जो बातें हमको बताई गई हैं वही बातें मैं आपको हिंदी में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो दोस्तों इस ईमेल में सबसे पहले हमको यह बताया गया है, आपको यह ईमेल इसीलिए भेजा गया है क्योंकि हम YouTube की सेवा शर्तों में कुछ अपडेट कर रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि उपयोगकर्ता को इनके बारे में सही और साफ तौर पर जानकारी दे सकें। इस तरह अमेरिका में ये शर्तें नवंबर 2020 में ही अपडेट कर दी गई थी, यानी कि अमेरिका में ये शर्तें 2020 नवंबर में ही अपडेट कर दी गई थी और अब इंडिया में इसे लागू करने जा रहा है YouTube। लेकिन इसके साथ साथ YouTube ने हमें यह भी बताया है कि इन बदलावों की वजह से आपके लिए YouTube की सेवा के एक्सेस या इस्तेमाल में कुछ खास अंतर नहीं आएगा। सो दोस्तों ये अपडेट कौन से हैं अब ये जान लेते हैं। सबसे पहला अपडेट चेहरे की पहचान से जुड़ी पाबंदियाँ। दोस्तों सेवा की शर्तों में पहले भी बताया गया है कि किसी व्यक्ति की पहचान से जुड़ी कोई भी जानकारी उसकी अनुमति के बिना इकट्ठा नहीं की जा सकती। हालांकि इसमें चेहरे की पहचान से जुड़ी जानकारी हमेशा से शामिल थी, फिर भी नई शर्तों में इसे और साफ तौर पर बताया गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपनी वीडियो में किसी भी व्यक्ति के चेहरे का यूज़ नहीं कर सकते और अगर हम करते हैं तो ये प्राइवेसी का उल्लंघन होता है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रैंक वीडियोस बनाते हैं और वो अपनी वीडियो में दूसरे लोगों के चेहरे का यूज़ करते हैं, ऐसे में वो YouTube यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा है। हालांकि ये पाबंदी पहले से शामिल थी लेकिन अब इसे खुले तौर पर यहाँ पे हमें बता दिया गया है। इसके बाद दूसरा अपडेट आता है YouTube का कमाई करने का अधिकार। दोस्तों इस अपडेट के बारे में भी काफ़ी पहले ही YouTube पर बता दिया गया था लेकिन अब ये अपडेट जो है 1 जून से लागू हो जाएगा भारत में। तो ये अपडेट कौन सा है? देखिए YouTube के पास अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद हर वीडियो से कमाई करने का अधिकार है, साथ ही उन चैनलों के वीडियो पर भी विज्ञापन दिखाए जा सकते हैं जो YouTube पार्टनर कार्यक्रम में शामिल नहीं है। यानी कि अगर आपका चैनल मोनिटाइज नहीं हुआ तो भी YouTube आपकी वीडियो पर अब जो है एड्स दिखाएगा और इससे जो भी अर्निंग होगी वो सिर्फ YouTube को ही जाएगी, यानी कि आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है। लेकिन YouTube के पास ये अधिकार है कि बिना मोनेटाइज चैनल पे भी वो एड्स दिखा सकता है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा अपडेट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है रॉयल्टी पेमेंट और टैक्स के लिए रोके गए पैसे का। सो YouTube ने हमें यहाँ पे बताया है कि YouTube क्रिएटर्स जो भी कमाई करेंगे उसे अमेरिका के टैक्स कानूनों के मुताबिक रॉयल्टी माना जाएगा। अगर आपकी यह कमाई टैक्स के दायरे में आती है तो गूगल उसमें से टैक्स के पैसे रोक लेगा। जैसे कि आप सबको पता ही है कि YouTube ने टैक्स इन्फॉर्मेशन नाम का एक फॉर्म गूगल एडसेंस पे जनरेट किया था जो कि हर YouTube क्रिएटर्स को, इसके साथ ही गूगल एडसेंस का यूज़ जो भी लोग करते हैं उन सभी को उस पर टैक्स फॉर्म भरना ज़रूरी था। सो यहाँ पे इसी बारे में हमको बताया गया है क्योंकि ये फॉर्म 1 जून 2021 से लागू हो जाएगा और इसके लागू होने के साथ साथ आपकी YouTube अर्निंग्स पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। आखिर में YouTube हमसे कहता है कि कृपया शर्तों में किए गए बदलाव ध्यान से पढ़ लें, नई शर्तें अमेरिका के बाहर के उपयोगकर्ताओं के लिए 1 जून 2021 से लागू होंगी। यानी कि अमेरिका के बाहर के जितने भी देश हैं वहां पर ये शर्तें 1 जून 2021 से लागू हो जाएंगी। इस तारीख के बाद YouTube का इस्तेमाल जारी रखने पर माना जाएगा कि आप YouTube की नई शर्तों से सहमत हैं, यानी कि आपसे कोई एग्रीमेंट यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। अगर आप YouTube का यूज़ करेंगे तो सीधे तौर पर ये माना जाएगा कि आप YouTube की इन शर्तों से सहमत हैं। इसके बाद YouTube हमसे कह रहा है कृपया ध्यान दें, अगर आप अपने बच्चे को YouTube किड्स का इस्तेमाल करने की अनुमति देते हैं तो माना जाएगा कि आप बच्चे की ओर से नई शर्तों से सहमत हैं, यानी कि गार्जियंस की तरफ से अनुमति मान ली जाएगी कि वे लोग YouTube की नई शर्तों से सहमत हैं। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स हैं जो कि YouTube ने हमको ईमेल के थ्रू सेंड किया है और हमको इन्फॉर्मेशन दी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन YouTube पर रेगुलर मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।